क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम एक छोटे से करियर के कटिंग से करियर के पौधे को ग्रो कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से इसे अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू ग्रीन लाइफ। कनेर या ओलियंडर बेहद ही खूबसूरत पौधा है और इसके फूल काफी सारे रंगों और शेड्स में आते हैं, जैसे कि पिंक, ऑरेंज, रेड, येलो और व्हाइट। इसे बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप इसके कटिंग को ग्रो करते हैं लेकिन वो सही से ग्रो नहीं हो पाते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किस तरह से आप कनेर को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, वो भी 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स ही बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इसे सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे, तो उसे देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं वो 5 स्टेप्स क्या है। तो पहला स्टेप है ब्रांच सिलेक्शन। इसके कटिंग को ग्रो करने के लिए आप इसकी सेमी हार्ड ब्रांच ले सकते हैं या सॉफ्ट ब्रांच ले सकते हैं। सेमी हार्ड ब्रांच वो होता है जिसमें इसकी स्टेम थोड़ी ब्राउन और थोड़ी ग्रीन होती है, और सॉफ्ट ब्रांच में इसकी स्टेम पूरी तरह से ग्रीन रहती है। तो स्टेप 2 में हमने जो ब्रांच ग्रो करने के लिए लिया है उसमें से ऑलमोस्ट 6-7 इंच की कटिंग लेनी होगी। इसके लिए हम एक शार्प कटर से इस साइज की कटिंग कर लेंगे। कटिंग का निचला हिस्सा जो कि ग्रोइंग मीडियम में जाएगा उसे 45 डिग्री एंगल पर ही हमें काटना है। 45 डिग्री एंगल पर काटना क्यों जरूरी है, इसे मैंने अपने हाइबिस्कस को कटिंग से ग्रो करने वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसे देखना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, जो है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमें इन कटिंग के सारे पत्ते कट कर देने हैं। जो सॉफ्ट कटिंग है उनके ऊपर के कुछ पत्तों को छोड़कर बाकी पत्तों को हमें निकाल देना है। अगर पत्ते काफी लंबे हैं तो हम इनको आधे पर से कट कर देंगे। अगला स्टेप है इन कटिंग्स के लिए ग्रोइंग मीडियम डिसाइड करने का। इसके लिए मैं इस डिस्पोजेबल ग्लास और पानी का यूज करूंगा। हम इस ग्लास में पानी भर लेते हैं और अपने कटिंग्स को इस ग्लास में डाल देते हैं। और फाइनली 5वां स्टेप है, हमें इन कटिंग्स को ब्राइट शेडी एरिया में रखना है और इसके पानी को हर 3-4 दिन में चेंज करना है। इन कटिंग्स को आप ऐसी जगह ना रखें जहां पर की लाइट नहीं आती हो, नहीं तो ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब इन कटिंग्स की ग्रोथ देख लेते हैं। आपको इन कटिंग्स में ऑलमोस्ट 7-10 दिन में ही रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। ये आप 25 दिन के बाद का ग्रोथ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे लगाए हुए कटिंग्स में अब रूट्स निकलने लगे हैं। ये 35 दिन के बाद का ग्रोथ है। अब इन कटिंग्स में नए पत्ते निकलने लगे हैं और रूट्स भी काफी अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। और ये 45 दिन के बाद का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि मेरे हर कटिंग्स में कितने अच्छे से मल्टीपल रूट्स डेवलप हुए हैं। अब टाइम है इन कटिंग्स को हम सॉइल में लगा दें। इनको लगाने के लिए हम एक वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कि हम लेंगे इक्वल पोर्शन ऑफ गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अभी ये कटिंग्स काफी छोटे हैं इसलिए मैं इनको ग्रो करने के लिए डिस्पोजेबल ग्लास ही यूज कर रहा हूँ। जब इन कटिंग्स में थोड़े और लीव्स और ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगे हम इन्हें बड़े पॉट में ट्रांसफर कर देंगे। इन्हें जब आप बड़े पॉट में ट्रांसफर करें तो कम से कम 8 इंच के पॉट यूज करें। इस डिस्पोजेबल ग्लास के बेस में हम होल्स बना लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से निकल जाए, जिससे कि कटिंग्स में रूट रॉट ना हो। अब हमने जो पॉटिंग मिक्स बनाया है उसे इस ग्लास में डाल देंगे और केयरफुली कटिंग को इसमें लगा देंगे। एक बार जब हमने इन्हें लगा दिया है हम इन्हें अच्छे से पानी दे देंगे और फिर 10 दिन तक इसे ब्राइट शेडी एरिया में रख देंगे। 10 दिन बाद हम इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो चलिए जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था उन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको इन कटिंग्स को ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगे। पहला, जब भी आप कटिंग लगा रहे हो तो कोशिश करें कि इसके 5-6 कटिंग्स लगाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सारे कंडीशन सही होने के बाद भी कुछ कटिंग्स मर जाए। अगर आप 1-2 कटिंग्स ग्रो करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जिस पानी में आपने इन कटिंग्स को लगाया है उसे कम से कम 3-4 दिन में जरूर चेंज करें, नहीं तो इनमें फंगस लग जाएगी जिसके कारण आपके कटिंग्स मर सकते हैं। तीसरा, इन कटिंग्स को पानी में लगाने के बाद इन्हें एक ब्राइट शेडी एरिया में रखें। अगर आप इन्हें एक ऐसी जगह रखते जहां पर की लाइट बहुत कम आती है तो ये कटिंग्स पानी में गलने लगेंगे और मर जाएंगे। और चौथा, किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए बेस्ट टाइम है रेनी सीजन। अगर आप गर्मियों के दिनों में इसे ग्रो करते हैं जैसा कि मैंने ग्रो किया है तो इन कटिंग्स को ग्रो होने में काफी टाइम लग जाता है और हो सकता है कि गर्मी के कारण कुछ कटिंग सूख भी जाए।
इसलिए आप कोशिश करें कि इन कटिंग्स को रेनी सीजन में ही ग्रो करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आप भी कनेट कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।